हम अपने सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से कुछ हद तक वाकिफ है, लेकिन सौर मंडल के बाहर ऐसा बहुत कुछ है जिससे हम अनजान हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सीज हैं। इसका मतलब ये है कि उन गैलेक्सीज के साथ और अधिक स्टार्स और उनसे भी अधिक ग्रह हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले से ही कई एक्स्ट्रा सोलर ग्रहों की खोज कर रखी है। स्पेस साइंस का भविष्य ये दावा करता है कि इंसान एक दिन उन पर अपने पैर जरूर जमाएगा। हालांकि उन ग्रहों की यात्रा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की तुलना में 7,50,000 बार ज्यादा होगी। अगर आपने हॉलीवुड मूवी पैसेंजर देखी है तो आपको याद होगा कि कैसे उन्हें होमस्टेड 2 नाम के ग्रह तक पहुंचने में 120 साल लगते हैं। खैर, पैसेंजर तो एक मूवी है, लेकिन असल में एक सामान्य इंसान के लिए इतनी लंबी इंटरप्लैनेटरी यात्रा संभव नहीं है। तो क्या इंसान का अपने सौर मंडल के बाहर की यात्रा का सपना सपना ही रह जाएगा, या हम ऐसे तरीका खोज सकते हैं जो हमें इतनी लंबी अंतरिक्ष दूरी को कवर करने में मदद करे? याद है फिल्म पैसेंजर में वो कैसे सफर करते हैं? हाइबरनेशन। जी हाँ, यही वो तकनीक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे हाइबरनेशन एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंटरस्टेलर जर्नी को मुमकिन बना सकता है। असल में हाइबरनेशन एक गहरी नींद की स्थिति को कहते हैं, जिसका उपयोग भालू जैसे कुछ जानवर अपनी ऊर्जा बचाने के लिए और साथ ही बिना खाने के एक निश्चित समय में जीवित रहने के लिए करते हैं। हाइबरनेशन के दौरान जानवरों के शरीर का तापमान कम हो जाता है, इसी के साथ ही उनका ब्रीदिंग और हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है। हाइबरनेशन को रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी की अवस्था कह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने सालों पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हाइबरनेशन का जिक्र किया था। हालांकि अभी तक साइंटिफिक हाइबरनेशन को हमने तैयार नहीं किया है। भले ही ये बात महज एक कल्पना से बढ़कर हो, फिर भी मनुष्यों के लिए एनिमल हाइबरनेशन के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। नासा एक्सटेंडेड स्लीप पर रिसर्च तो कर रहा है, लेकिन समझना ये है कि ये काम कैसे करेगा। आर्टिफिशियल हाइबरनेशन को क्रायोस्लीप की मदद से हासिल किया जा सकता है। क्रायोस्लीप ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान की सबसे जरूरी क्रियाओं को रोक दिया जाता है। हालांकि ऐसा करने पर उसकी मौत नहीं होती, बल्कि दवाइयों और ठंडे चैम्बर में रख कर उसे फ्रीज कर दिया जाता है। थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया नाम का एक प्रोसेस है जिसकी मदद से डॉक्टरों ने सैकड़ों जिंदगियों को बचाया है। ठंडे तापमान का उपयोग करके बहुत से रोगों का इलाज किया गया है। आइस पैक्स, चिल्ड वाटर पैक्स या राइनोचिल नाम के कूलेंट को सुंघाकर डॉक्टर्स पेशेंट्स के शरीर में चल रहे केमिकल रिएक्शंस को धीरे कर देते हैं। इस तरह से थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया रोगों को ट्रीट करता है। ट्रॉमेटिक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का उपचार थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया के द्वारा किया जाता है। स्पेस ट्रेवल की दुनिया में टॉर्पर थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया से मिलता जुलता होगा। टॉर्पर यानी बेहोशी की स्थिति में लाने के लिए एस्ट्रोनॉट के शरीर के कोर टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा, जिससे कुछ ही घंटों में उसका शरीर ठंडा हो जाएगा। उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से घटकर 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिससे मेटाबॉलिक रेट भी 50-70% तक गिरेगा। अनकॉन्शियस अवस्था में उसके शरीर पर सेंसर्स लगा दिए जाएंगे जो एस्ट्रोनॉट की स्थिति के बारे में जानकारी देते रहेंगे। उनको पोषण और हाइड्रेशन परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी यानी नली के द्वारा पहुंचाया जाएगा। कैथेटर की मदद से यूरिन को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि एक व्यक्ति को हाइबरनेशन में रखा जाने वाला मैक्सिमम समय केवल 2 हफ्ते होगा। इसके बाद ही उसे कुछ दिन के लिए नॉर्मल कर दिया जाएगा, जिसके बाद फिर से उसे हाइबरनेशन में डाल दिया जाएगा और ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। एक नहीं बल्कि 6 एस्ट्रोनॉट को टॉर्पर अवस्था में रखा जाएगा ताकि बारी बारी से वो हाइबरनेशन से जाकर अपने साथियों और स्पेसशिप की निगरानी कर सके।
जब अंतरिक्ष में इंसान इतनी दूरी की यात्रा पर निकल जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो कॉस्मिक रेस के भी संपर्क में आएगा। कॉस्मिक रेस उसके लिए हानिकारक होंगी। बोन डेंसिटी और मसल मास में गिरावट होने के साथ ग्रेविटी की भारी कमी के भी इंसान पर काफी साइड इफेक्ट्स होंगे। हाइबरनेशन चेम्बर उसे इन सब से प्रोटेक्ट करेगा। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे समय में हाइबरनेशन बॉडी टिश्यूज को इंजरीज से बचाएगा। सालों की अंतरिक्ष यात्रा में एस्ट्रोनॉट्स के लिए वक्त काटना भी आसान नहीं होगा। स्पेसशिप में जगह की कमी होगी और कम जगह में सालों तक रहना एक नॉर्मल इंसान के लिए घातक होगा। वो क्लॉस्ट्रोफोबिया का शिकार बन सकता है। हाइबरनेशन में रहने पर यात्रा कर रहे एस्ट्रोनॉट को इस बात का जोखिम नहीं होगा। सालों की यात्रा के बाद जब वो अपने मिशन प्लैनेट पर लैंड करने के लिए नींद से जागेगा तो एकदम फ्रेश महसूस करेगा। हाइबरनेशन यात्रा की लागत को भी कम करेगा। जितना छोटा अंतरिक्ष यान होगा उसके हल्के होने की संभावना भी उतनी ज्यादा होगी। उनका वजन 31 टन की तुलना में 15 टन किया जा सकता है जिससे अंतरिक्ष यान के निर्माण में पैसा बचेगा। इसके अलावा ऐसा यान जो काफी लंबी यात्रा के लिए निर्धारित हो उसका लोड कम रखने में ही समझदारी है। इंटरप्लैनेटरी यात्रा एक अलग ही प्रकार के वातावरण का एहसास कराएगी। यात्री स्पेस मैडनेस का भी शिकार हो सकते हैं लेकिन हाइबरनेशन की मदद से पैसेंजर्स मानसिक तनाव से बच सकेंगे। नासा ह्यूमन हाइबरनेशन की तकनीक का इस्तेमाल मानव मिशन मार्स के लिए करना चाहता है। इंसान को मार्स तक पहुंचने में 6 से 9 महीने लगेंगे। नासा अटलांटा स्थित एयरोस्पेस कंपनी स्पेसवर्क्स के साथ मिलकर हाइबरनेशन प्रोसीजर्स को स्टडी कर रहा है। स्पेसवर्क्स एंटरप्राइजेस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर जॉन ई ब्रैडफोर्ड के मुताबिक इंसान 2030 के दशक में हाइबरनेशन का इस्तेमाल कर अंतरिक्ष यात्रा कर सकेगा। ब्रैडफोर्ड का कहना है, हमने अपनी टीम का विस्तार किया है और एक विकास योजना बनाई है जो एग्जीक्यूट होने की प्रक्रिया में है। मेरा मानना है कि हमारी तकनीक मानव मिशन मंगल ग्रह को पूरा करने में काम आएगी। ये तकनीक पहले मंगल मिशन के लिए तैयार हो सकती है और हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि हाइबरनेशन मानव की उम्र को बढ़ने से रोक देता है। हालांकि ये पूरा सच नहीं है। हाइबरनेशन शायद इंसान के बूढ़े होने की गति को भले ही थोड़ा धीमा कर दे लेकिन पूरे तरीके से उसकी उम्र को बढ़ने से रोक नहीं सकता। तो मार्स तक जाने के लिए भले ही हाइबरनेशन कारगर हो जाए लेकिन अगर इंसान को अंतरिक्ष में 100 साल का फासला तय करना हो तो इससे उसे कोई खास मदद नहीं मिलेगी। इस अवस्था में क्रायोनिक्स को रोल में लाया जा सकता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री के शरीर में मौजूद खून को एंटीफ्रीज के साथ बदल देंगे जिससे उनकी कोशिकाएं फटने से बच जाएंगी। हालांकि विज्ञान को अभी काफी तरक्की करनी है जिससे वो क्रायोनिक्स की अवस्था में पड़े लोग जो लगभग मुर्दे के समान होंगे उनको वापस से जगाया जा सके। हाइबरनेशन अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक बेहतरीन सोच हो सकती है लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां हैं। वैज्ञानिकों को हाइबरनेशन के सही स्तर को खोजने की तकनीक पर काम करना होगा। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि यात्री कहीं इतनी गहरी नींद में ना चला जाए जहां से उसे उठा पाना मुश्किल हो जाए। ये भी चिंता का विषय है कि मानव शरीर इतने कम तापमान पर स्वस्थ रह सकेगा या नहीं। किसी भी इंसान को इतने लंबे समय तक के लिए कूल नहीं किया गया है। हाइबरनेशन के बारे में जानना काफी दिलचस्प लगता है लेकिन पैसेंजर मूवी में जो हमने देखा है उसे अभी वास्तविकता बनाने में काफी समय लगेगा। क्या आपको लगता है कि किसी दिन विज्ञान मानव की उम्र को बढ़ने से रोक सकेगा ताकि वो अंतरिक्ष में सदियों का फासला तय कर सके? कमेंट करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।